इस जश्न में शामिल होने वाले आप तमाम लोगों का और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है आप सभी का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, आखिर में बोलने के दो फायदे और दो नुकसान हैं। दो फायदा ये है, पहला कि बाकी स्पीकर ने जो बोला है उसको मिला जुला करके समाप्त कर दीजिए, और दूसरा कि लोग पहले से ही सुन सुन करके चट गए हैं तो आपको बोलना कम पड़ेगा। दो नुकसान क्या हैं? पहला कि आपको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ेगा, आपको भी, और दूसरा ये कि ज्यों ज्यों वक्त बढ़ता जाता है तो कानून व्यवस्था पुलिस परमिशन ये सब की याद आ जाती है। तो मुझे लोगों ने सुनाया कि इस प्रोग्राम को करने में थोड़ी परमिशन की दिक्कत हो रही थी आपके नाम पर, तो हम सोचने लगे कि अब तो चुनाव ही लड़ लिए हैं, मैंने ये भी कर लिए, चलो कर ही लेते हैं। और चुनाव आयोग के हिसाब से बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के हम इलेक्टेड अपोजिशन हैं, हमने अपनी जमानत नहीं जब्त कराई है, और उमर कह रहा था कि सब कुछ बिक रहा है। नहीं, सब कुछ नहीं बिक रहा है, तुम नहीं बिके हो, हम नहीं बिके हैं, ये लोग नहीं बिके हैं, तो जमानत भी जब्त नहीं कराए हैं और जमीर भी हमारा जब्त नहीं हुआ है, तो फिर परमिशन की परेशानी क्यों है? हमको लगता है कि जब तक विधायक खरीदने का पावर नहीं हो जाएगा ये लोग सीरियसली नहीं लेंगे। थोड़ा सीरियसली लीजिए सर, सीरियसली नहीं लीजिएगा तो जब आपके ऊपर भी डंडा चल रहा था ना, लोग सीरियसली नहीं ले रहा था, हम लोग लिए इसीलिए जब 26 नवंबर को आज यहां खड़ा है तो सिर्फ हेमंत करकरे को याद नहीं कर रहे हैं, कांस्टेबल तुकाराम को भी याद कर रहे हैं कि यह व्यवस्था सिर्फ आईपीएस आईएसओ मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से नहीं बनता है, देश स्वीपरों तांगा चलाने वालों टेम्पू चलाने वाले रिक्शा चलाने वाले दुकानदारों माओं बहनों मजदूरों किसानों सिपाहियों सैनिकों सबसे देश बनता है। देश का अंदाजा आप ऊंची उठी हुई बिल्डिंगों से नहीं लगा सकते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि फुटपाथ पे चलने की जगह कितनी बची है। इसीलिए आज जो हम यहां खड़ा होकर के कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं, इसकी जरूरत सिर्फ मुझे या इस मंच पे बैठे हुए या इस कार्यक्रम में आए हुए लोगों को सिर्फ नहीं है, इसकी जरूरत पुलिस को भी है और वकील साहब को भी है, इसकी जरूरत आईपीएस को भी है और कांस्टेबल को भी है, इसकी जरूरत देश के पक्ष को भी है और देश के विपक्ष को भी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ये किताब ही वो चीज है जो हमको आपको सबको आपस में एक देश की तरह जोड़ता है, वरना चला तो हम ठीक से अपना परिवार नहीं पाते हैं, सारे लड़ाई झगड़े तो अपने रिश्तेदारों से ही हुए पड़े हैं, जमीन का सारा झंझट जो है वो पड़ोसियों के साथ है, जितने केस मुकदमे हो रहे हैं किसी और ने नहीं अपने रक्त संबंधियों ने किया है, ये सबके जीवन का सच है। देश होने का एहसास अगर कोई हमको देता है तो हमारा संविधान है, और आरफा ने बहुत खूबसूरत से तरीके से यह बात कही कि अगर संविधान की किताब बच जाएगी तो फिर सारे किताब सुरक्षित रहेंगे, वो किताबें भी जो लाइब्रेरी में रखी हुई हैं, बच्चों के हाथ में भी किताबें सुरक्षित रहेंगी पढ़ने की, और मंदिरों में मस्जिदों में गिरजाघरों में बाइबिल कुरान गीता सब कुछ सुरक्षित रहेगा, लेकिन वो जो किताब है उस किताब के साथ एक गजब का चीज हुआ है। एक गांव की बहुत छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुना देता हूं। मेरे गांव में प्रदेश काम करने के लिए कुछ लोग आए थे,
उनके साथ एक व्यक्ति भी आया था। कुछ दिन काम वाम यहाँ पे किया और क्या तकलीफ होती है ये आप सब लोगों को मालूम है कि आप में से ज्यादातर लोग किसी ना किसी गांव से चल करके आए हैं। ओखला में या दिल्ली के किसी इलाके में मकान मालिक आपके साथ क्या बर्ताव करता है, आपको रूम रेंट लेने के लिए जब जाते हैं तो किन परेशानियों का सामना करता है, आपको किस तरीके से काम ढूंढना पड़ता है, कैसे आप पढ़ाई करते हैं, ये तकलीफ आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। तो कई बार मन में लगता है कि क्यों यहाँ पे झक मार रहे हैं। इसीलिए देखिएगा कि लोग गांव जाकर के थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। मौका ईद का हो, बकरीद का हो, होली का हो, दिवाली का हो, ट्रेन में टिकट इसीलिए नहीं मिलता है कि अचानक से हमको गांव याद आने लगता है। तो वह जब गांव लौट करके आए तो उन्होंने सोचा कि यहीं पे कुछ करेंगे। रोजी रोजगार करते हुए, अपना पेट परिवार चलाते हुए ही हम मंदिर मस्जिद भी कर पाते हैं, अपना धर्म भी मानते हैं। तो उन्होंने वहां पे एक दुकान खोली और दुकान के सामने एक पीपल का पेड़ लगाया। पीपल का पेड़ लगा करके वहां पे उन्होंने जल डालना शुरू किया। धीरे 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 वहां पे एक छोटी सी मंदिर बनाई गई। वो गली बहुत मामूली सा था, अचानक से सरकार ने एक नीति लाई और कहा कि इधर से एक्सप्रेसवे गुजरेगा। अब एक्सप्रेसवे गुजरने की बात सुनते ही जमीन की कीमत अचानक से बढ़ने लगी। जैसे ओखला में जो भी मेट्रो घुसा कि आप देखे होंगे प्रॉपर्टी डीलर के दुकान के बाहर का जो रेट लिस्ट है वो बदल गया होगा। तो ऐसा जब हुआ तब तक वो इंसान बहुत बूढ़े हो चुके थे और वो एक्सप्रेसवे बनाने के चक्कर में उनकी दुकान भी चली गई, लेकिन जमीन तो थी, पीपल का पेड़ भी था, भगवान जी भी थे। ये तो बहुत अच्छा मौका था कि इसको जो है कब्जा किया जाए। और जो लोग उस इंसान के दुकान खोले जाने का विरोध कर रहे थे वो ये बोल करके उस मंदिर में अपना हक स्थापित किए कि देखो इस जगह की पहचान तो जो है उस अमुक व्यक्ति ने ही की थी। तो मंदिर तो बने, पुजारी कोई भी हो, लेकिन द्वार का नाम उस व्यक्ति के नाम पे होना चाहिए। और लोग बहुत खुश हो गए। मुश्किल ये नहीं है कि हम संविधान खतरे में हैं ये बात बोल रहे हैं, ठीक बात है, खतरे में है तो बोलेंगे लोग। मुश्किल ये है कि जब हम ये बोलते हैं तो किसी को सच क्यों नहीं लगता है। सच इसलिए नहीं लगता है कि जिनके भरोसे था संविधान, वो मंदिर, वो भगवान, उन्होंने भी तो उस दुकान की परवाह नहीं की। और जब दुकान ही है तो कोई भी पैसा देकर के खरीद सकता है और बेच सकता है। मूल प्रश्न ये है कि क्या जमहूरियत को बचाने वाले लोग, क्या संविधान की शपथ खाने वाले लोग सचमुच संविधान के प्रति गंभीर हैं? अगर वो गंभीर नहीं है तो बीजेपी को तो कभी संविधान से प्यार ही नहीं था। हम लोग प्रश्न ही एक्चुअली दूसरे तरीके से कर रहे हैं, इसीलिए मूल सवाल पे पहुंच नहीं पाते हैं। आखिर आप मुझे बताइए कि भाजपा संविधान क्यों बचाए, कोई एक कारण बता दीजिए।